हेलो फ्रेंड्स, दिस इज मनीषा सिंह। आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे और आपकी प्रिपरेशन भी बहुत अच्छे से चल रही होगी। आज मैं आप सभी के लिए लेकर आई हूँ बहुत ही खास, थोड़ी सी अलग वीडियो, जो कि उन कैंडिडेट्स के लिए है जिन्होंने अभी जस्ट 10th पास आउट किया है और वो 10th पास करके एक अच्छी सी जॉब को अचीव करना चाहते हैं। फ्रेंड्स, 10th पास आउट्स के लिए ये जॉब प्रोफाइल की वैकेंसीज रहने वाली है। ऑल इंडिया के मेल एंड फीमेल दोनों ही कैटेगरी के कैंडिडेट्स के लिए अच्छी अच्छी जॉब की प्रोफाइल बताने वाली हूँ, तो फुल डिटेल्स में डिस्कस करेंगे। तो चलिए हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए हुए। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे 10th पास आउट्स के लिए ऑफिशियल जॉब के बारे में। तो फ्रेंड्स, 10वीं पास करने के बाद आप अगर कोई ऑफिशियल जॉब करना चाहते हो तो SSC के द्वारा MTS की जॉब को आप अचीव कर सकते हो। ये MTS का जॉब आपका ऑफिशियल जॉब होता है, मतलब कि आपको ऑफिस के अंदर रहकर ही कंप्यूटर पे वर्क करना होता है। MTS यानी कि फ्रेंड्स मल्टी टास्किंग स्टाफ, मेल और फीमेल दोनों ही कैटेगरी के कैंडिडेट्स के लिए ये एक बहुत अच्छा जॉब प्रोफाइल माना जाता है। एज लिमिट की बात करें फ्रेंड्स, तो जनरल कैटेगरी वालों के लिए आपका मिनिमम एज 18 इयर्स है और मैक्सिमम 25 इयर्स रहने वाला है। OBC कैंडिडेट्स को यहाँ पे 3 इयर्स का एज रिलैक्सेशन दिया जाता है, वही SC ST के कैंडिडेट्स को 5 इयर्स का एज रिलैक्सेशन देखने को मिल जाता है। इस फॉर्म के फ़ी की बात करूँ फ्रेंड्स, तो आपको जनरल EWS और OBC को 100 रुपीज़ लिया जाता है। वहीं अगर हम SC ST कैटेगरी की और ऑल कैटेगरी फीमेल की बात करें तो उनसे यहाँ पे कोई चार्जेस नहीं लिया जाता है। एग्ज़ाम पैटर्न बता दूँ फ्रेंड्स कि आपको 2 पार्ट में होता है। सेम डे 90 मिनट्स का पेपर होता है, बट आपका फर्स्ट पार्ट में 40 क्वेश्चन 120 मार्क के 45 मिनट्स में कंडक्ट कराए जाते हैं, जिसमें आपका क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड का 20 क्वेश्चन 60 मार्क्स का रहता है और रीजनिंग आपका 20 क्वेश्चन 60 मार्क्स का रहता है, और ये आपका क्वालिफाइंग होता है। तो इसमें क्वालिफाई करने के बाद आपका मेरिट जो बनता है वो सेकेंड पार्ट से बनता है फ्रेंड। सेकेंड पार्ट आपका जो होता है उसमें आपका 50 क्वेश्चन 150 मार्क्स के और आपका ये भी 45 मिनट का सेक्शन होता है। इसमें आपको जनरल अवेयरनेस के 25 क्वेश्चंस रहते हैं और इंग्लिश के 25 क्वेश्चंस रहते हैं। पर क्वेश्चन आपको 3 मार्क दिए जाते हैं, मतलब कि आपका टोटल 150 मार्क्स पे ही आपका मेरिट डिपेंड करता है। फ्रेंड्स, अब हम लोग देख लेते हैं कि रेलवे की तरफ से 10th पास आउट के लिए कौन सी जॉब प्रोफाइल रखी गई है। तो फ्रेंड्स, पहली प्रोफाइल है रेलवे में आपको ग्रुप D की पोस्ट के लिए। ये आपको मेल और फीमेल दोनों ही कैटेगरी के कैंडिडेट्स के लिए देखने को मिलेगा। एज लिमिट की बात करें फ्रेंड्स, तो जनरल कैटेगरी वालों के लिए आपका मिनिमम एज 18 इयर्स रहेगा और मैक्सिमम एज 33 इयर्स रहने वाला है। OBC वालों को 3 इयर्स का एज रिलैक्सेशन प्रोवाइड किया जाता है और SC ST वालों को यहाँ पे 5 इयर्स का एज रिलैक्सेशन देखने को मिल जाता है एज पर द गवर्नमेंट रूल्स। फॉर्म की फ़ी की बात करूँ फ्रेंड्स, तो जनरल OBC और EWS वालों को यहाँ पे 500 का फ़ी लगता है। वहीं पे फ्रेंड्स SC ST और ऑल कैटेगरी फीमेल्स को यहाँ पे 250 रुपीज़ लिया जाता है। और जब फ्रेंड्स आप एग्ज़ाम अटेम्प्ट कर लेते हो तो आपसे जो 500 रुपीज़ लिया जाता है उसमें से आपको 400 रुपीज़ रिटर्न कर दिया जाता है गवर्नमेंट के द्वारा। एग्ज़ाम पैटर्न की बात करें फ्रेंड्स, तो आपका 100 क्वेश्चन का एग्ज़ाम होता है 100 मार्क्स का और आपका 90 मिनट्स का यहाँ पे टाइम दिया जाता है, मतलब कि पर क्वेश्चन आपको 1 मार्क मिलते हैं। एग्ज़ाम आपका ऑनलाइन मोड में होता है फ्रेंड्स। तो चलिए अब मैं बता देती हूँ कि सब्जेक्ट वाइज कितने कितने क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो फ्रेंड्स, आपको साइंस से 25 क्वेश्चंस रहते हैं, मैथ से 25 क्वेश्चंस रहता है, GK का यहाँ पे आपको 20 क्वेश्चंस रहता है और रीजनिंग का 30 क्वेश्चन देखने को मिल जाता है। इस जॉब के लिए फ्रेंड्स आपको फिजिकल भी देना होता है। रनिंग की बात करूँ फ्रेंड्स, तो 1 किलोमीटर का रनिंग होता है। मेल कैंडिडेट्स को ये रनिंग 4 मिनट 15 सेकेंड में कंप्लीट करना होता है, फीमेल्स को ये रनिंग 5 मिनट 40 सेकेंड्स में कंप्लीट करना होता है। इसके बाद फ्रेंड्स आपका वेट कैरिंग टेस्ट लिया जाता है।
जो मेल कैंडिडेट्स होते हैं उनको 35 केजी का वेट कैरी करना होता है 100 मीटर्स तक, वहीं फीमेल कैटेगरी के कैंडिडेट्स को 20 केजी का वेट कैरी करना होता है 100 मीटर्स में। और फ्रेंड्स, आपका जो वेट कैरिंग टेस्ट होता है वो आपको 2 मिनट्स का होता है, आपको 2 मिनट में ही ये वेट कैरी करके 100 मीटर तक आपको वॉक करना होता है। अब हम लोग बात करेंगे फ्रेंड्स रेलवे की तरफ से जो आरपीएफ कांस्टेबल की वैकेंसी है, ये भी 10th पास आउट कैंडिडेट के लिए बहुत ही गोल्डन अपॉर्चुनिटी होता है। ये आपका 10th लेवल का वैकेंसी होता है और आरपीएफ मींस फ्रेंड्स आपका रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स। तो आपको रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स एक बहुत ही अच्छा प्रोफाइल होता है। जॉब कैंडिडेट 10th पास आउट कर लिए हैं वो एकदम टेंशन फ्री होके इस जॉब के लिए तैयारी कर सकते हैं। फ्रेंड्स, एज लिमिट की बात करें तो जनरल कैटेगरी के कैंडिडेट्स का मिनिमम एज लिमिट आपका 18 इयर्स होता है और मैक्सिमम 25 इयर्स होता है। ओबीसी वालों के लिए आपका मिनिमम 18 इयर्स, मैक्सिमम 28 इयर्स रहता है। एससी एसटी वालों को मिनिमम 18 इयर्स और मैक्सिमम 30 इयर्स का एज लिमिट होता है। मींस कि यहाँ पे जो एज रिलैक्सेशन जो है गवर्नमेंट के थ्रू प्रोवाइड किया जाता है ओबीसी को 3 इयर्स का और एससी एसटी को 5 इयर्स का। एग्ज़ाम पैटर्न की बात करें फ्रेंड्स तो आपका 120 क्वेश्चन होता है 120 मार्क का और आपका 90 मिनट्स का ये पेपर रखा जाता है। मींस कि आपको पर क्वेश्चन 1 मार्क मिलते हैं। सो चलिए फ्रेंड्स, अब आपको बता देती हूँ कि जो आपका सब्जेक्ट वाइज क्वेश्चन होता है वो किस तरह से डिवाइड किया गया है। तो फ्रेंड्स, आपको रीजनिंग का 35 क्वेश्चंस रहता है 35 मार्क्स का, मैथमेटिक्स का आपका 35 क्वेश्चन 35 मार्क्स का, और आपका जीके जीएस का क्वेश्चन 50 क्वेश्चन 50 मार्क्स का। मतलब पर क्वेश्चन 1 मार्क मिलेगा और एग्ज़ाम आपका ऑनलाइन मोड में कंडक्ट कराया जाता है। फ्रेंड्स, इस जॉब प्रोफाइल के लिए भी आपको फिजिकल देना होता है। तो चलिए मैं सबसे पहले बता दूं कि हाइट की जो रिक्वायरमेंट होती है वो मेल कैंडिडेट्स के लिए मिनिमम 165 सेंटीमीटर होती है और फीमेल्स के लिए मिनिमम 157 सेंटीमीटर होता है। चेस्ट जो है वो सिर्फ मेल का आपको यहाँ पे देखा जाता है, तो 80-85 सेंटीमीटर्स आपको मिनिमम चेस्ट होना चाहिए। उसके बाद फ्रेंड्स, यहाँ पे आपका रनिंग भी होता है। तो रनिंग आपको मेल कैंडिडेट्स को 1600 मीटर का होता है 5 मिनट 45 सेकंड्स में, फीमेल कैटेगरी के कैंडिडेट्स को 800 मीटर का रनिंग होता है और उनको 3 मिनट 45 सेकंड्स में ये रनिंग क्लियर करना होता है। फिर फ्रेंड्स, आपका हाई जंप टेस्ट होता है। मेल कैंडिडेट्स को 4 फीट का हाई जंप रहता है, वही फीमेल्स को 3 फीट का हाई जंप रहता है। उसके बाद फ्रेंड्स, आपका लॉन्ग जंप टेस्ट होता है। मेल कैंडिडेट्स के लिए लॉन्ग जंप 14 फीट का रहता है, फीमेल्स के लिए आपको लॉन्ग जंप 9 फीट का रहता है। अब हम लोग बात करते हैं फ्रेंड्स उन कैंडिडेट्स के लिए कि जिन्होंने 10th पास आउट कर लिया है और वो फोर्स में जाना चाहते हैं, मतलब कि देश को अपनी सेवा देना चाहते हैं, आर्मी वगैरह में जो लोग सर्विस देना चाहते हैं उनके लिए ये पोस्ट बहुत ही अच्छा रहने वाला है। तो फ्रेंड्स, ये आपको पोस्ट हो गया एसएससी की तरफ से जीडी की वैकेंसी का रहता है। इसमें फ्रेंड्स आपको एज लिमिट जो होता है वो मिनिमम 18 इयर्स होता है और मैक्सिमम 23 इयर्स होता है जनरल कैंडिडेट्स के लिए। ओबीसी की बात करूँ फ्रेंड्स तो उनके लिए यहाँ पे मिनिमम 18 इयर्स होता है और मैक्सिमम 26 इयर्स होता है। एससी एसटी के कैंडिडेट्स का मिनिमम एज 18 इयर्स होता है और मैक्सिमम 28 इयर्स होता है। मतलब कि यहाँ पे भी आपको एज रिलैक्सेशन प्रोवाइड किया जाएगा ओबीसी और एससी एसटी कैंडिडेट्स को एज पर द गवर्नमेंट रूल्स। फ्रेंड्स, एग्ज़ाम पैटर्न की बात करें इसके लिए तो आपका 80 क्वेश्चंस का पेपर होता है 160 मार्क्स का और आपका 60 मिनट्स यानी कि 1 आवर का आपका पेपर होता है। पर क्वेश्चन फ्रेंड्स आपको 2 मार्क्स दिए जाते हैं यहाँ पे। एग्ज़ाम आपका ऑनलाइन मोड में कंडक्ट होता है। तो चलो मैं आपको बता देती हूँ कि सब्जेक्ट वाइज कितने कितने क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। फर्स्ट फ्रेंड आपका जीके जीएस का 20 क्वेश्चंस रहता है, सेकेंड आपका रीजनिंग का 20 क्वेश्चंस रहता है, मैथमेटिक्स के आपको 20 क्वेश्चंस रहते हैं, हिंदी या फिर इंग्लिश के आपको यहाँ पे 20 क्वेश्चंस रहते हैं और पर क्वेश्चन आपको 2 मार्क्स दिए जाते हैं। मतलब कि आपका 80 क्वेश्चंस 160 मार्क का और 1 आवर की आपकी पेपर होने वाली है। इसमें भी फ्रेंड्स आपका फिजिकल लिया जाता है।
फिजिकल में फ्रेंड्स आपका जो हाइट होता है वो मेल कैंडिडेट्स यानी कि जनरल ओबीसी ईडब्ल्यूएस के लिए मिनिमम हाइट 170 सेंटीमीटर होता है, वही एससी एसटी कैटेगरी के मेल्स के लिए मिनिमम हाइट 150 सेंटीमीटर रहता है। फीमेल्स की बात करूँ फ्रेंड्स तो यहाँ पे फीमेल्स की हाइट जो होती है 157 सेंटीमीटर होती है, जो सारी हो गई जनरल ओबीसी ईडब्ल्यूएस एससी के लिए। एसटी वाली फीमेल्स के लिए फ्रेंड्स यहाँ पे 150 सेंटीमीटर मिनिमम हाइट की रिक्वायरमेंट होती है। चेस्ट की मेजरमेंट जो होती है फ्रेंड्स वो केवल मेल कैंडिडेट्स की होती है, तो जो भी जनरल ओबीसी ईडब्ल्यूएस के मेल्स कैंडिडेट्स होते हैं उनको यहाँ पे 80 सेंटीमीटर प्लस 5 सेंटीमीटर फुलाना पड़ेगा। एससी कैटेगरी वालों के लिए 76 सेंटीमीटर प्लस 5 सेंटीमीटर यहाँ पे उनको चेस्ट आपको इंक्रीज करना पड़ेगा। रनिंग की बात करूँ फ्रेंड्स तो मेल कैंडिडेट को 5 किलोमीटर्स का रनिंग होता है 24 मिनट्स में, वहीं आपको फीमेल कैंडिडेट्स के लिए 1600 मीटर की रनिंग होती है 8.5 मिनट्स में। सो फ्रेंड्स ये जो आपको मैंने चार पोस्ट बताए हैं, चार प्रोफाइल बताए हैं 10th पास आउट कैंडिडेट के लिए, ये बहुत ही अच्छा और गोल्डन अपॉर्चुनिटी रहने वाले। तो अगर आपने 10th पास आउट कर लिया तो अभी से आप ये चारों पेपर का सिलेबस देख के हर कुछ समझ के तैयारी में लग जाओ, और आप इस चारों में से कोई एक जॉब तो आराम से आप अचीव कर सकते हो अगर आप अभी से मन लगा के मेहनत से पढ़ाई करोगे तो। सो आई होप फ्रेंड्स कि मैंने जो भी आपको इन चारों पोस्ट की रिगार्डिंग डिटेल बताई हो वो आप अच्छे से समझ पा रहे होंगे, और अगर इसे समझने में कोई सा भी दिक्कत है तो प्लीज़ आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना ताकि मैं आपकी क्वेरीज़ को वहाँ पे सॉल्व कर पाऊँ। और अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी हो फ्रेंड्स तो वीडियो को एक लाइक कर देना, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, सपोर्ट करना फ्रेंड्स, नोटिफिकेशन बेल को ऑल पे सेट कर देना ताकि मैं जब भी कोई न्यू वीडियो पोस्ट करूँ तो सबसे पहले आप सभी तक जाए, और इस वीडियो को अपने बाकी उन फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करना जो आपके साथ 10th पास आउट अभी जस्ट किए होंगे। और अगर आप चाहते हो कि जीके जीएस का आप अच्छे से तैयारी कर पाए, उसके क्वेश्चंस की क्विज आप बनाए, तो मेरे टेलीग्राम चैनल को भी आप ज्वाइन कर सकते हो। मैंने अपने टेलीग्राम चैनल का लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दिया है। सो फ्रेंड्स मिलती हूँ आपसे फिर से न्यू जॉब अपडेट के साथ, तब तक के लिए स्टे ट्यून, बाय बाय, टेक केयर।